हजरत उमर के गिर दोस्त आप बैठे हैं, तो हजरत उमर कहने लगे चलो अपनी अपनी कोई ख्वाहिश ही बताओ। तो चूंकि हालात बड़े खराब थे, कहत का दौर था, बाज जगहों पे गरीबों को बड़ी मुश्किल थी, तो सब लोगों ने सदकात और खैरात की ही बात की। एक साहब कहने लगे मेरा दिल करता है कि जमीन गल्ले और अनाज से भर जाए सारी और मैं अल्लाह की मखलूक में बांट दूं। तो दूसरे ने कहा मेरा दिल करता है सोने चांदी से जमीन भरे और मैं रब की मखलूक पर तकसीम कर दूं। एक तीसरे सहाबी भी फरमाने लगे मेरा दिल करता है सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से ये जमीन भरे और मैं अल्लाह की मखलूक में बांट दूं। सब अल्लाह की मखलूक पर कर्म करने की, रहम करने की, तकसीम करने की बात कर रहे थे। तो फिर बोल के कहने लगे उमर आप भी तो बताएं ना, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना। हजरत उमर देर तक खामोश रहे, फिर ठंडी आह भरी, फरमाने लगे मेरा दिल करता है ये जमीन हजरत माद बिन जबल जैसे लोगों से भर जाए, मेरा दिल करता है ये जमीन हजरत हुजाफा बिन यमान जैसे लोगों से भर जाए, मेरा दिल करता है ये जमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा जैसे लोगों से भर जाए, ये जमीन इन लोगों से भर जाए और मैं फिर इन सब लोगों को साथ मिला के जमीन पे रब की इताअत का चला नाम कर दूं, लोगों को रब रसूल का फरमा बरदार बना दिया जाए, खैर वाले लोगों से जमीन भरे। मेरी ख्वाहिश ये है